आशीर्वाद समारोह में शरीक हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मालखरौदा में पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री मोहन मणि जाटवर के बेटे अमन असलेम संग खुशबू नंदरधने की शादी संपन्न हुई, जिसका आशीर्वाद समारोह मालखरौदा में रखा गया था, जिसमें आशीर्वाद देने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का आगमन हुआ। माननीय चरणदास महंत जी का आगमन चंद्रपुर विधायक माननीय रामकुमार यादव जी ने किया। मोहन मणि जाटवर के घर शाम 3 बजे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत के इंतजार करते रहे। माननीय महंत जी के आगमन से कार्यकर्ताओं में भारी उमंग व जोश नजर आया और जय चरण के नारों से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर पुष्प गुच्छों से स्वागत कर रहे हैं। माननीय चरणदास महंत जी ने मोहन मणि जाटवर के सुपुत्र वरवधु को आशीर्वाद दिया। डॉक्टर चरणदास महंत जी से निवेदन करते हुए डॉक्टर कात्यायनी सिंह GBMO को, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उन्हें यहां से ट्रांसफर करने व सीनियर डॉक्टर को BMO बनाने का आग्रह सभी जनप्रतिनिधियों ने मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को हामी भरते हुए आश्वस्त किया। आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, मैं उनका पुत्र के समान हूँ, उतना मुझे चाहते हैं। बीते 15 जून को मेरे ज्येष्ठ पुत्र अमन और खुशबू की शादी संपन्न हुआ। उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी और आदरणीय महंत जी उस कार्यक्रम में चाह के भी पहुँच नहीं पाए थे, इसलिए हमारे परिवार अपने आए थे और हमारे मतलब बेटा अमन और बहू खुशबू के साथ साथ हमारे पूरे परिवार के लोगों के खुशियों में शामिल हुए। और यहाँ जितने सारे लोग आए थे, हमसे दिल से जुड़े हुए सभी लोग हैं और सभी को मतलब इस खुशी में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने परिवार समझ के, अपने परिवार के अंग में ही हमारे यहाँ आए और बेटे और बहू को आशीर्वाद। आदरणीय केशव चंद्रा जी जयपुर के विधायक, वो भी हमारे फैमिली मेंबर के जैसे हैं, हमारे सभी छोटे बड़े कार्यक्रम में आते हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला, बच्चों को आशीर्वाद दिए। और हमारे लाडले राम कुमार यादव विधायक चंद्रपुर, वो शादी में भी शामिल हुए थे और आज भी मतलब उनका प्यार और अपनापन हमें मिला। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद और जितने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के भी साथ आए, केशव चंद्र जी के विधायक जयपुर के साथ और राम कुमार यादव जी चंद्रपुर विधायक के साथ आए, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।